जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश की, आपकी यूपी की टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां जारी हो चुकी है, ठीक है। इनका नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी और कल से ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, जो लोग यूपी के टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे थे उसकी वैकेंसी अब आ चुकी है, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन एडवर्टाइज नंबर दे सकते हैं 1/2022 9/6/2022 को, रजिस्ट्रेशन 9/6 से लेकर 3/7/2022 से, फीस डिपॉजिट आप जैसे 6/7/2022 तक से आपका लास्ट डिपॉजिट और सबमिशन 9/7/2022 है। इसी तरह के पीजीटी की सेम आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं 9/6 से लेकर सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन रहेगा उसके एक एक करके इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या, आपका जो नोटिफिकेशन है हिंदी में है, ठीक है। 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की, मैं टीजीटी की नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो एक एक करके मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसमें टीजीटी की जानकारी दे रहा हूँ, पीजीटी के लिए मैं अलग बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की, यहाँ पे आपको तारीख 9/6 जमा करने की, तारीख 9/6 पैसे शुल्क जमा करने, आपका पंजीकरण की 3/7 लास्ट डेट है, पंजीकरण जमा करने की अंतिम तिथि, ठीक है। फीस जमा करनी 6/7 और ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने की 9/7/2022 है। यहाँ पे आप तो देख सकते हैं आपकी टीजीटी की जो वैकेंसी है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में 3,539 पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं बालक बालिका संस्था हेतु। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी है, आपको नीचे आपको श्रेणी में दे रखा है। महत्वपूर्ण निर्देश आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑनलाइन आवेदन की आप कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी माध्यम से जानकारी दे रखी है। यहाँ पे आपको तो देख सकते हैं जो अन्य जानकारियां वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषा संबंधी के बारे में दे रखा है, जो भाषा होगी उसी भाषा में आपका पेपर होगा, जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है, संस्कृत का संस्कृत लैंग्वेज, अंग्रेजी का अंग्रेजी, उर्दू का उर्दू मांगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी को दिया जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के 10% का आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन को सापेक्ष शुल्क जमा करके उसके पश्चात ही सबमिट का अंतिम तिथि 9/7 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित है, ठीक है। बाकी आपकी डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कार्य यानी वर्किंग डे में 10 बजे आप कॉल कर सकते, 10 से 5 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, ऑनलाइन संबंधी आपको जो आप दिशा निर्देश दे रखे हैं, यहाँ पे स्टेप बाय देख सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट फॉर ऑफ सबमिट। तो ये आपको देख सकते हैं ये 3 स्टेप हैं, जैसे जैसे स्टेप है उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, प्रथम स्टेप के बारे में यहाँ पे दे रखा है, द्वितीय स्टेप के बारे में, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर अलग से एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आवेदन करना है। शुल्क यहाँ पे दे सकते हैं, यूआर कैटेगरी ₹700 और ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क ₹50.50, तो यानी ₹750 हो जाता है। इकोनॉमिक सेक्टर का 450, इस तरीके से ओबीसी का 700-750, और इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं अनुसूचित जनजाति का 250 और अनुसूचित जाति का 450 ₹450। इसी तरीके से आपका स्वतंत्रता सेनानी 1 से 5 में उन जो मूल श्रेणी के अनुसार, भूतपूर्व सैनिक 1 से 5 मूल श्रेणी के अनुसार, महिलाओं के लिए 1 से 5 मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है। और विकलांग के लिए यहाँ पे निर्धारित शुल्क के आधे कर ले जाए मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते तृतीय चरण में बारे में यहाँ पे आप दे रखा है, उसके बारे में देख सकते हैं, जो फोटो के साइज के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल से दे रखा है, तो हम उसके बारे में अलग से बात करें किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे वो, ठीक है। यहाँ पे आयु 1 जुलाई 2022 के अनुसार मिनिमम आपकी आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। यहाँ पे आवेदन पत्र पर आपकी जो पात्रता अंतिम तिथि तक आपकी जो अर्हता कंप्लीट होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वेतन के बारे में, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग में 44,000 से 1,00,000 पे लेवल, यहाँ पे 7 ग्रेड पे 4 या 600। यहाँ पे आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी को ही प्राप्त होगा, अनुसूचित जनजाति समाज के पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे आपको जो है इनको जिला आपका जो है जिला विद्यालय के निरीक्षक ऑनलाइन अग्रसित अधियोचनाओं के अनुसार होगा। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं,
भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य यहाँ पे दे रखा है, स्वतंत्र सेना में शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखी है, परीक्षा केंद्र के बारे में। ठीक है, सभी जनपद के मुख्य मुख्यालयों पर ही केंद्र के निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, कोई भी परीक्षा केंद्र द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है, परीक्षा केंद्र समाचारणी आपको उसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है, बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे दे रखा है, लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पे दे सकते हैं, प्रशिक्षित स्नातक पद चयनित अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थी पर सामान्य योग्यता एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 यानी 500 नंबर का एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 125 प्रश्न होंगे, 4 आपको नंबर दिए जाएंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, समय की जो अवधि है 2 घंटे की होगी, प्रश्न का स्वरूप MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में रहेगा। मेरिट की बात करें लिखित परीक्षा में, यहाँ पे आपके प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 1998 नियम के अनुसार यहाँ पे संख्याओं से अधिक 25% से अनाधिक यानी समेकित पैनल लिस्ट मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी हेतु सामान्य आपके जो निर्देश है वो दे सकते हैं। यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर एक के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा, यहाँ पे उसके दे सकते हैं, एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, तो इनके बारे में डिटेल है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इनके दिशा निर्देश हैं, इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं डीपली। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे हाईस्कूल या समकक्ष की उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र अंक तिथि अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। ठीक है, तो आपके हाईस्कूल की जो प्रमाणित मानी जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता पुष्टि के लिए अंक पत्र प्रमाण पत्र या उपाधि प्रमाण पत्र तिथि चयन बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा, ऑनलाइन अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। बाकी आवेदन के अभ्यर्थी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है, तो हम नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो ये सब सर्टिफिकेट हैं, आप इनको दे सकते हैं। सारणी संख्या आपके प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश में, जनरल में 275, OBC में 156, SC में 79, ST 1, टोटल 511, हिंदी में 294। ठीक है, और 125 OBC में, 89 SC में, 1 आपके ST में, 509, गणित में 296, 147 OBC 65, 0, 508 सामाजिक विज्ञान, 156, 103 OBC में, 77 और 1 आपका यहाँ पे रहेगा ST में, 337 है, संस्कृत में 191, 45, 28, 264, शारीरिक शिक्षा में 98, 40, 19 और विज्ञान में 285, 135, 79, गृह विज्ञान में 76, 41, 22, 139, कला में 71, 35, 26, 132, वाणिज्य में 24 है, 10 है, 4 है और यहाँ पे दे सकते हैं ST में 0, 38 यहाँ पे आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपका संगीत गायन में 6 और जबकि 1 SC में 0, यहाँ पे आप दे सकते हैं 7, कृषि में 23, 15, 8, 1 यहाँ पे 47 है, टोटल जीव विज्ञान में आपका दे सकते हैं 37, 8, 4 और 49, उर्दू में 6, 6, 12 और संगीत वादन में 2 और यहाँ पे आप दे सकते हैं SC में 2, तो टोटल 4 है, 3213 है, जबकि आप दे सकते हैं बालिका वर्ग में इंग्लिश में दे सकते हैं 36, जनरल में OBC में 6, 4, टोटल 40, आपके हिंदी में 33 और यहाँ पे आप दे सकते हैं इस तरीके 48, गणित में 17, 2, 6, सामाजिक विज्ञान में 28, 17, 1, संस्कृत में यहाँ पे 18, 7, 2 और शारीरिक शिक्षा में 8, 4, 1, विज्ञान में 25, 12, 4 और गृह विज्ञान में 21, 12, 7, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसियाँ हैं। कला में 11, 5, संगीत ज्ञान में 12, 1, 3 और जीव विज्ञान में 1, उर्दू में 1 और संगीत वादन में 3, 2, 1, यानी टोटल 6 वैकेंसी है, 326 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता के बारे में, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। हिंदी है तो देखिए आपका सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, आपने मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट चुना है तो उसके अनुसार BA होनी चाहिए हिंदी में, ठीक है, एवं संस्कृत और संस्कृत इंटरमीडिएट आपने करी हो, ठीक है, इंटरमीडिएट संस्कृत के साथ हो, समकक्ष परीक्षा में BEd हो, इसके बराबर आपने BEd किया हो या अन्य इसके बराबर कोई डिग्री हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा दिया हुआ है, BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ हो अथवा समकक्ष परीक्षा BEd के किया या उसके सामान्य आपने कोई परीक्षा पास की हो, अनिवार्य जो है BEd है यहाँ पे रखा गया है या उसके समान डिग्री।
देख सकते हैं अधिक आपका अभिमान अर्हता क्या है, बीएड एमएड पीएचडी या किसी भी राष्ट्रीय स्कूल से खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर आपने टीम में भाग लिया हो। देखिए मान लीजिए आपने गणित किया है तो बीए या बीएससी गणित प्रशिक्षित, बीएड या उसके आपका सामान्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, बीएड एमएड पीएचडी सेम इसी तरीके से। गृह विज्ञान में मान लीजिए आपने गृह विज्ञान सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, उस केस में गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, ठीक है, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला में होम आर्ट्स में प्रशिक्षित हो, ठीक है, बीएड अथवा गृह विज्ञान से महाविद्यालय इलाहाबाद या टीसी अथवा लेडी इरविन कॉलेज से दिल्ली का डिप्लोमा, ठीक है। तो यहाँ पे दे सकते हैं बीएड या उसकी समकक्ष डिग्री हो या बीएड एमएड हो, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। उर्दू सेम आपका सब्जेक्ट बीए उर्दू हो, विषय से एलटी या बीटी या बीएड अन्य समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा हो, बीडी उसके बराबर, ठीक है, या बीए बाकी डिटेल सेम है। अंग्रेजी बीए अंग्रेजी साहित्य से अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षित, या बीएड आपने किया हो उसके बराबर। संस्कृत में दे सकते हैं बीए संस्कृत हो या एलटी या बीटी हो या बीएड समकक्ष आपने किया हो या, ठीक है, या फिर आपका बीएड हो, ठीक है, डिग्री से आप डिप्लोमा अथवा वाराणसी संस्कृत विद्यालय से आप प्रदत्त शास्त्रीय आचार्य की उपाधि या एलटी या बीटी के समकक्ष आपने अथवा शिक्षण या डिग्री या डिप्लोमा किया हो, बीएड या उसके समान आपने डिग्री अनिवार्य हो, या आप देश में या बीएड एमएड हो, पीएचडी और राष्ट्रीय स्तर तक आपने खेल खेला हो, ठीक है। वाणिज्य बीकॉम बीएड या आपने के सामान्य डिग्री अनिवार्य हो, ठीक है, बाकी आप सेम रहेगा इसी में। कृषि में दे सकते हैं बीएससी कृषि से प्रशिक्षित हो या बीएड हो या कोई सामान्य डिग्री हो। यहाँ पे आपके दे सकते हैं कला में, तो कला की बात करते हैं राष्ट्रीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ या आर्ट्स मास्टरिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पहले ड्रॉइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा प्रदेश इंटरमीडिएट, अथवा या में प्राविधिक कला के हाई स्कूल शिक्षा में से एक योग्यता ड्राइविंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, अथवा कला भवन शांति निकेतन फाइन आर्ट से डिप्लोमा, अथवा राजकीय ड्राइंग हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद सर्टिफिकेट, अथवा कलकत्ता फाइनल ड्राइंग टीचर से परीक्षा, अथवा लाहौर या के मेयो स्कूल से आप आर्ट टीचर से सीनियर आपको सर्टिफिकेट परीक्षा, अथवा बंबई इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, अथवा बंबई थर्ड आपके ग्रेड आर्ट स्कूल से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे टिप्पणी दे रखी है उपयुक्त वन या टू में अंतर्गत आपने इंटरमीडिएट से परीक्षा उत्तीर्ण की हो, परंतु यदि उसे परीक्षा में प्रावधिक कला के लिए जाना है कि प्रमाण उपलब्ध ना हो, उस स्थान पर आपको प्रावधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाएगा। बालिकाओं की संस्था में अध्यापक को प्रावधिक कला की योग्यता छूट दी जाएगी, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है उसका बीएड या उसके आप यहाँ पे इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा में देखते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके बराबर कोई अन्य अर्हता राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सीपीएड प्रमाण पत्र हो या उसके बराबर कोई अन्य अर्हता हो, ठीक है, या सीपीएड या प्रमाण पत्र हो उसके अन्य कोई आपके पास हो, ठीक है, बाकी डिटेल सेम है। विज्ञान भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के बीएससी बीएड या उसके बराबर हो, ठीक है, बीएड एमएड हो, पीएचडी हो, जीव विज्ञान से जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान के बीएससी प्रशिक्षित हो या बीएड उसके बराबर हो। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो फ्रेंड इनमें दो विषयों के साथ बीएड प्रशिक्षित हो, इतिहास या राजनीति साथ, तो उनमें आप देख सकते हैं आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो भी आपके दो सब्जेक्ट हो इन चार में से आपने दो किए हो तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री है बीएड या एमएड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संगीत गायन एवं संगीत वादन के लिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित में से कोई, यहाँ पे देख सकते हैं बातखंड से आपका जो है संगीत विद्या पीठ लखनऊ संगीत आपका जो है, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर से परीक्षा, गंधर्व महाविद्यालय मुंबई संगीत, या आप इनमें से दे सकते हैं कोई भी हो, ठीक है, जिसने आपने किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैंने डिटेल बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो प्रमाण पत्र है स्वतंत्र सेनानी खेलकूद का, ठीक है, तो इनके प्रमाण पत्र आपको दे रखे आप ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में दे रखा है तो आप इनका यूज कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी जो कि मैंने आप लोगों को बताया,
वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश से द्वारा जारी करी गई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के बारे में, इसमें मैंने आपको टीजीटी की कंप्लीट जानकारी दी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने रहे, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को। वीडियो देखें, धन्यवाद।